नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासी में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। यानी कि राजस्थान के खनिजों को दो भागों में बांटा था, एक तो धातु खनिज ए धातु खनिज। धातु खनिजों में अपन ने लगभग सभी खनिजों के बारे में बात कर ली, जिसमें सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, ठीक है, मैंगनीज, टंगस्टन आदि के बारे में विस्तार से बात कर ली थी और सोने के बारे में बात कर ली थी। आज बात करेंगे सीसा, जस्ता, चांदी के बाद में धातु खनिजों में एक खनिज और बचा जिसका नाम है लोहा। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, ए धातु खनिजों के बारे में। तो पहले ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए मैं बात कर रहा हूं कौन से खनिज के बारे में, लोह खनिज के बारे में। किसके बारे में बात करूं दोस्तों, लोहा। जो ये लोहा जो खनिज है, ये लोहा खनिज प्रमुख रूप से भारत में तमिलनाडु में और झारखंड में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में तो प्रमुख रूप से खनिज कौन सा, लोहा। ये लोहा खनिज राजस्थान में प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, जयपुर में। तो पहले बात करते हैं लोहे के प्रकार। लोहा प्रमुख रूप से दोस्तों चार प्रकार का पाया जाता है, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्बोनाइट और सिडेराइट। कौन कितने प्रकार हैं, चार। लोहे के प्रकार कितने हैं दोस्तों, चार। एक तो है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और लास्ट है सिडेराइट। ठीक है दोस्तों, तो लोहे के प्रकार कितने हैं दोस्तों, चार प्रकार के हैं, जिनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छी क्वालिटी का लोहा कौन सा है दोस्तों। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा कौन सा आपके सामने, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का आपका कौन सा, मैग्नेटाइट। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, हेमेटाइट। तीसरे नंबर पर कौन सा है, लिमोनाइट। और चौथे नंबर पर कौन सा है, सिडेराइट। यानी सबसे बेकार यानी कि सबसे बुरा किस्म जिसका थर्ड क्वालिटी का होता है, चौथे नंबर पर कौन सा था आपका, सिडेराइट। जबकि सबसे अच्छी किस्म का कौन सा है, तो सबसे अच्छी किस्म का कौन सा है, मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी किस्म का लोहा पाया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा लोहा, तो राजस्थान में पाया जाता है हेमेटाइट किस्म का लोहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी किस्म का लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहां पाया जाता है, तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और पश्चिम बंगाल यानी झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रमुख रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में ध्यान रखना, भारत में तमिलनाडु के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है लोहा उत्पादन में। कौन से में, तो हेमेटाइट लोहा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तमिलनाडु के बाद में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो दूसरा स्थान है। फिर बात करते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान में जो प्रमुख लोहा, राजस्थान में प्रमुख रूप से एक तो होता है कच्चा लोहा। राजस्थान में प्रमुख रूप से जो कच्चा लोहा है वो कानपुरा में प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो राजस्थान में प्रमुख रूप से कच्चा लोहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा कच्चा लोहा कहाँ प्राप्त होता है, तो कानपुरा में पाया जाता है। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है कहाँ, तो मोरिजा यहां प्राप्त होता है। मोरिजा बानोला ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चोमू में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चोमू जयपुर में पाया जाता है क्या, मोरिजा बानोला नामक स्थान पर सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो कानपुरा में पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान में इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से लोहा प्राप्त होता है, यानी उत्पादक क्षेत्र। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से उत्पादक क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है लोहा, तो एक तो इसका जो कारखाना है वो कहाँ पर है, मोरिजा बानोला में। दूसरा इसका कहाँ पर है, एक तो कहाँ हो गया, मोरिजा बानोला चोमू में हो गया। दूसरा इसका निमला रायसेला कहाँ है, निमला रायसेला। ये निमला रायसेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो दोसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है निमला रायसेला, कहाँ पड़ता है, तो निमला रायसेला पड़ता है आपका कहाँ, दोसा में पड़ता है। फिर उसके बाद में डाबली सिंगारा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, डाबली सिंघाना कहाँ पड़ता है, तो डाबली सिंघाना पड़ता है आपका कहाँ, झुंझुनू में पड़ता है। तो तीन हो गए, मोरिजा बानोला चोमू, निमला रायसेला दोसा, डाबली सिंघाना झुंझुनू, और एक चौथा हो गया नाथरा की पाल, जिसको बोलते हैं थोरुंडेर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाथरा की पाल या थूर हुंडेर ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उदयपुर में
उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, तो राजस्थान में प्रमुख रूप से चार उत्पादक क्षेत्र है जहाँ से लोहा प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होता है, तो मुरीजा मानोला में पाया जाता है, ठीक है। मुरीजा मानोला कहाँ पड़ता है, तो जयपुर में पड़ता है, चोमू जयपुर में पड़ता है। दूसरा स्थान है निमला रायसेला दौसा डाबली सिंगाना झुंझुनू, और चौथा कौन सा है, तो नातराईपाल और थुरुंडेर, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, तो लोहा प्राप्त होता है। तो दोस्तों आता है निम्न में से प्रश्न कैसे आता है, जैसे मान लो ये तीन स्थान आ गए, कौन सा आ गया, जैसे मान लो मोरिजा गया, निमला गया और डावली सिंह आ गया, आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ से लोहा प्राप्त नहीं होता है, तो तीन स्थान तो ये आ जाएंगे, एक कोई दूसरा आ जाएगा जिसमें मान लो पन्ना जहाँ प्राप्त होता है ज़्यादा, जिप्सम जहाँ प्राप्त होता है, अभ्रक जहाँ से प्राप्त होता है, तो वो क्षेत्र आ जाएंगे। तो ध्यान रखना निम्न में से कौन सा स्थान है जहाँ से प्राप्त नहीं होता है या होता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन पढ़िए लोहे के बारे में, लोहे के चार स्थान है। अब उसके बाद में अगला आपका खनिज है धात्विक खनिज, तो हो गए पूरे। अब बात करते हैं अपन खनिजों का दूसरा प्रकार आपका कौन सा, धात्विक के बाद में अब आएगा आपका अधात्विक। अधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के उत्पादन में ध्यान रखना देश में राजस्थान 18 से 20% लगभग अधात्विक खनिज प्राप्त करता है अपना राजस्थान, ठीक है। राजस्थान देश का 18 से लेकर 20% अधात्विक खनिज प्राप्त करता है। और अधात्विक खनिज कौन कौन से है, तो अपन एक एक के बारे में विस्तार से नाम, पहले तो नाम लिख रहे हैं, नाम लिखने के बाद उसके विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको जानकारी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में अपन अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज में एक नंबर आपका आएगा कौन सा, अभ्रक, अभ्रक, ठीक है दोस्तों। तो अभ्रक खनिज है कौन सा, अधात्विक। अभ्रक के बारे में बात करते दोस्तों, अभ्रक एक तो कायांतरित और एक रूपांतरित, ठीक है ना, कायांतरित और एक, यानी एक तो आग्नेय, सॉरी आग्नेय और एक कायांतरित, आग्नेय, आग्नेय और एक है कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अभ्रक कौन कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आग्नेय और कायांतरित, दो चट्टानों से प्राप्त होता है आपका कौन सा, अभ्रक। फिर उसके बाद में अभ्रक के जो रंग होते हैं, सफेद रंग के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, सफेद, सफेद रंग का जो अभ्रक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है रूबी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सफेद रंग के अभ्रक को, ये प्रश्न आया, सफेद रंग के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रूबी के नाम से जाना जाता है। जबकि हल्की, हल्की गुलाबी, हल्की गुलाबी रंग के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो बायोटाइट। तो हल्की गुलाबी रंग की अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो हल्की गुलाबी रंग की अभ्रक को बायोटाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि सफ़ेद रंग के अभ्रक को रूबी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, इस अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है, अभ्रक का प्रमुख रूप से उपयोग, ध्यान रखना अभ्रक आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना अभ्रक है जो एक अज्वलनशील, अज्वलनशील खनिज, यानी कि ये प्रमुख से इसको अपन कितने भी ताप यानी टेम्परेचर पर गला नहीं सकते, तो ये एक अज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि अज्वलनशील खनिज है। इसका उपयोग विद्युत सामान बनाने में, वायुयान की उपकरण बनाने में, और लोहे, जो लोहे की जो भट्टियाँ होती हैं, तो लोहे की भट्टियों में इनकी चादरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लोहे की भट्टियों में इनका लेप किया जाता है, किसका, अभ्रक का। तो ध्यान रखना अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है, एक तो वायुयान के उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, और जितनी भी जो भट्टियाँ होती हैं दमनकारी भट्टियाँ, लोहे गलाने की भट्टियाँ, जैसे मान लोहे गलाने की, तांबा गलाने की, उनमें क्या इसका उपयोग किया जाता है, तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में ध्यान रखना अभ्रक का उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, तीसरा, यानी कि पहला स्थान तो है बिहार का, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होता है, बिहार में। दूसरे नंबर पर आएगा कौन सा, बिहार के बाद में यूपी, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है अभ्रक उत्पादन में। फिर उसके बाद में राजस्थान में प्रमुख रूप से अभ्रक की ईंटों के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख रूप से अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में अभ्रक की ईंटें प्रमुख रूप से कहाँ से प्राप्त होती है, तो माइकेनाइट भीलवाड़ा में, कहाँ से, अभ्रक की जो ईंटें और जो चादरें हैं ना, अभ्रक की चादरें या ईंटें, अभ्रक की चादरों के लिए, अभ्रक की चादरों के लिए प्रमुख रूप से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो माइकेनाइट, माइकेनाइट, माइकेनाइट कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा में ध्यान रखना दोस्तों। तो अभ्र की चादरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो माइकेनाइट भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। और अभ्र की ईंटों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो भी कौन सा प्रसिद्ध आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में प्रमुख रूप से अभ्र के सफेद रंग के अभ्र को रूबी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, और हल्की गुलाबी रंग को अभ्र को बायोटाइटिक नाम से जाना जाता है। ये आग्नेय और कांतीय चट्टानों से प्राप्त होती है। और देश में अभ्र उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है यूपी और बिहार के बाद में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। एक नंबर पर आपका बिहार आएगा, दो नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आएगा, तो राजस्थान आएगा। अब अभ्र के बाद में, अभ्र के बाद में दूसरा खनिज है कौन सा, अधातु में दूसरा आएगा आपका कौन सा, जैसे मान लो तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा इसे किस नाम से जाना जाता है, तांबड़ा को एक तो गार्नेट किस नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है, एक तो गार्नेट और दूसरा नाम इसका रक्त मणि। तो तांबड़ा को गार्नेट और रक्त मणि के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल रंग का एक अर्ध बहुमूल्य पत्थर है, लाल रंग का बहुमूल्य पत्थर कौन सा है, तो तांबड़ा है। ठीक है दोस्तों, तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश में सबसे ज्यादा तांबड़ा कहां से प्राप्त होता है, तो राजस्थान से प्राप्त होता है। और तांबड़ा को गार्नेट और रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का एक क्या बहुमूल्य पत्थर है, इसलिए इसे रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। रक्त यानी कि लाल, क्योंकि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, और लाल मणि यानी कि जो हीरा होता है ना, तो रक्तमणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अब राजस्थान में प्रमुख रूप से जो तांबड़ा है वो कहाँ प्राप्त होता है, तो राजस्थान में होता है इसका उत्पादन कहाँ, एक तो सरवाड़ा। ये सरवाड़ा कहां पड़ता है, सरवाड़ा पड़ता है अजमेर में। और एक राजमहल कहां पड़ता है, तो राजमहल पड़ता है आपका कहां, टोंक में पड़ता है। तो सरवाड़ा अजमेर और राजमहल टोंक में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो तांबड़ा प्राप्त होता है। अब तांबड़े के बाद में एक छोटा सा खनिज और है, वेरी मोस्ट है, जिसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जिसका नाम है पन्ना। क्या नाम है दोस्तों, पन्ना। तांबड़ा के बाद में कौन सा है, पन्ना। पन्ना उत्पादन में भी राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। यानी कि पन्ना उत्पादन में भी राजस्थान का देश में एकाधिकार है, यानी कि पहला स्थान है, ध्यान रखना। अब पन्ना, जिस प्रकार से ये लाल रंग का बहुमूल्य पत्थर है, उसी प्रकार ये एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है। कैसा पत्थर है, हरे रंग का एक बहुमूल्य पत्थर है, कौन सा, पन्ना। इसे हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, हरी अग्नि। इसे हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में इसको मरकत के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसको किसको, पन्ने को, अंग्रेजी में इसको किस नाम से, एमरल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत में इसको मरकत के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको एमरल्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है, और पन्ना उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है दोस्तों। फिर उसके बाद में जो ये पन्ना है, ये पन्ना राजस्थान में प्रमुख रूप से कहाँ प्राप्त होता है, यानी कौन से जिले में प्राप्त होता है, तो पन्ना राजस्थान में प्रमुख रूप से प्राप्त होता है काला गुमान। कहाँ पड़ता है काला गुमान, जो ये क्षेत्र स्थान है, ये पड़ता है उदयपुर में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पन्ना कहाँ से प्राप्त होता है, तो काला गुमान उदयपुर से प्राप्त होता है। एक दूसरा जिला आपका कौन सा, डूंगरपुर। तो उदयपुर के बाद में सर्वाधिक पन्ना कहाँ से प्राप्त होता है, तो डूंगरपुर से प्राप्त होता है। जबकि जो पन्ने की जो मंडी है राजस्थान में कहाँ है, पन्ने की मंडी है जयपुर में। जबकि पन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ से होता है, तो कालागमान उदयपुर से प्राप्त होता है। तो पन्ने के राजस्थान में प्रमुख से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो क्या कि सबसे ज़्यादा पन्ना कहाँ प्राप्त होता है, तो कालागमान उदयपुर में, ये उत्पादन क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है पन्ना की प्रमुख मंडी कहाँ है, यानी पन्ने की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान में कहाँ है, तो पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो जयपुर में है दोस्तों। तो ये संस्कृत में, देखो इसको संस्कृत में मरकत और अंग्रेजी में एमरल्ड के नाम से जाना जाता है, और हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। इससे तांबड़े को गार्नेट और रक्तमणि के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके उपनाम हो गए। अब खनिज धातु खनिजों में दो तीन हो गया, तो तांबड़ा हो गया, पन्ना हो गया, अरे कौन सा हो गया आपका, अभ्रक हो गया। अब चौथा है आपका कौन सा धातु खनिज, चौथा धातु खनिज में आपका है कौन सा, फेल्सपार। कौन सा दोस्तों, फेल्सपार।
फेल्सपार। देखो दोस्तों, फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान कितना प्रतिशत उत्पादन करता है पूरे देश का? तो पूरे देश का यानी कि भारत का, देश का 61% फेल्सपार, देश का 61% फेल्सपार राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी राजस्थान में प्राप्त होता है। देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार राजस्थान में प्राप्त होता है? तो 61% होता है, जबकि पूरे राजस्थान का, राजस्थान का, पूरे राजस्थान का 96% फेल्सपार एक जिले में प्राप्त होता है, और वो आपका जिला कौन सा? अजमेर, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा फेल्सपार कहाँ प्राप्त होता है, यानी कि उत्पादन क्षेत्र? तो फेल्सपार का उत्पादन क्षेत्र आएगा आपका माइकेनाइट, सॉरी कौन सा आएगा? मकरेड़ा अजमेर। कौन सा आएगा दोस्तों? मकरेड़ा अजमेर, यानी उत्पादन क्षेत्र किसका? फेल्सपार का उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र में ध्यान दोस्तों, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र में आएगा माइके, इसमें कौन सा माइके, ये कौन सा है? अदरक के उत्पादन में, यानी फेल्सपार, फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना देश में तीसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। फेल्सपार पूरे देश का 61% फेल्सपार राजस्थान प्राप्त करता है, जबकि राजस्थान का 96% फेल्सपार पूरी, सॉरी भारत, पूरे राजस्थान का 96% फेल्सपार कहाँ से प्राप्त होता है? अजमेर में। और अजमेर में कौन सा स्थान है? तो मकरेड़ा अजमेर। कौन सा दोस्तों? मकरेड़ा, मकरेड़ा, तो मकरेड़ा अजमेर में देश का 96% राजस्थान का, अजमेर, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान का 96% फेल्सपार कहां से प्राप्त होता है? तो मकरेड़ा अजमेर से प्राप्त होता है, जबकि देश का 61% फेल्सपार राजस्थान में प्राप्त होता है दोस्तों। अब फेल्सपार के बाद में आगे आपका यही है, कौन सा? फ्लोसपार। फेल्सपार के बाद में इसी के नाम से है दोस्तों पांचवा आपका कौन सा? फ्लोस पार। फेल्सपार के बाद कौन सा है दोस्तों? फ्लोसपार, जिसको फ्लोराइट, फ्लोराइट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फ्लोसपार या फ्लोराइट, दोनों में दोस्तों ध्यान रखना कंफ्यूज होता है फेल्सपार और फ्लोसपार में। तो फेल्सपार तो मकरेड़ा अजमेर से प्राप्त होता है, फिर उसके बाद भी फ्लोसपार या फ्लोराइट, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक दवाई बनाने में। कीटनाशक दवाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लोसपार या फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है कीटनाशक दवाई बनाने में, ठीक है। और इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व कीटनाशक दवाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उपयोग किया जाता है आपका किसका? फ्लोसपार या फ्लोराइड का दोस्तों। फिर उसके बाद में प्रमुख रूप से ये फ्लोसपार कहां से प्राप्त होता है, यानी राजस्थान में कहां प्राप्त होता है? तो इसके जो उत्पादन क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से एक तो है कौन सा? मांडोकी पाल डूंगरपुर, उत्पादक क्षेत्र मांडोकी पाल, मांडोकी पाल कहां पड़ता है? तो मांडोकी पाल पड़ता है डूंगरपुर में, मांडोकी पाल का, सॉरी मांडोकी पाल पड़ता है कहां? डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर, डूंगरपुर में पड़ता है। जबकि दूसरा स्थान है भीनमाल, भीनमाल, भीनमाल कहां पड़ता है? तो भीनमाल पड़ता है आपका जालौर में। कहां पड़ता है दोस्तों? तो जालौर में। ध्यान रखना फ्लोसपार या फ्लोराइड इसका उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मांडोकी पाल डूंगरपुर से प्राप्त होता है क्या? फ्लोसपार या फ्लोराइड। और दूसरा स्थान कौन सा? भीनमाल, जालौर, यहां से भी क्या प्राप्त होता है? ये फ्लोसपार प्राप्त होता है। अब उसके बाद में आगे है दूसरा कौन सा आपका? रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है रासायनिक खाद बनाने में। किसमें किया जाता है दोस्तों? रासायनिक खाद बनाने में या सुपर फास्फेट, रासायनिक खाद व सुपर फास्फेट बनाने में कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है रासायनिक खाद बनाने में और फास्फेट बनाने में किया जाता है, सुपर फास्फेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में जो ये रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का देश में यानी कि कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा रॉक फास्फेट होता है, यानी इसके उत्पादन क्षेत्र, इसका उत्पादन क्षेत्र आएगा एक तो कौन सा? झामर कोटला उदयपुर में। कौन सा दोस्तों? उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में आएगा एक तो झामर कोटला, झामर कोटला, झामर कोटला कहां है दोस्तों? तो झामर कोटला आपका कहां? उदयपुर में है। झामर कोटला कहां है? उदय, झामर कोटला कहां पड़ता है? उदयपुर में। यहां से भी क्या प्राप्त होता है? रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। एक लाठी क्षेत्र या वीर बानिया, वीर, वीर मानिया या लाठी क्षेत्र, लाठी क्षेत्र ये कहां पड़ता है? तो जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। तो झामर कोटला उदयपुर से और बीरमानिया लाठी क्षेत्र ये कहां है? जैसलमेर में। यहां से रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। तो ये आपका हुआ है किसके बारे में? रॉक फास्फेट के बारे में दोस्तों।